आज हमारे पास है मर्सिडीज बेंज 2012 मॉडल है। इसमें मसला यह है कि ये क्रैंक हो रहा है और स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे हम इसको चेक करते हैं। एम मर्सिडीज बेंज है E63, मर्सिडीज बेंज E63। तो जैसे कि आपने देखा ये क्रैंक हो रहा है और स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो अभी सबसे पहले इसका फ्यूल प्रेशर चेक करेंगे। ये फ्यूल प्रेशर चेक करने का जगह है, तो अभी बिल्कुल फ्यूल नहीं आ रहा है। तो अभी अंदर चेक करते हैं कि इसमें फ्यूल है भी कि नहीं है। तो कितना फ्यूल है इसमें, तो इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं। तो इसमें शो कर रहा है 20% फ्यूल शो कर रहा है क्लस्टर में, और फ्यूल बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो अभी इसको चेक करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक, आई थिंक दैट टू मच क्रैंक फ्यूल पंप का, और फ्यूल पंप का लोकेशन भी बताएंगे। तो सबसे पहले ये पाइप भी मैंने डिस्कनेक्ट किया, लेकिन बिल्कुल फ्यूल नहीं आ रहा है। तो ये पीछे का सीट है, पैसेंजर सीट, जो ये पैसेंजर सीट हमने खोला, ये ड्राइवर साइड के पीछे जो इसको सिर्फ आपने ऊपर की तरफ प्रेस करना है। इसमें दो फ्यूल पंप की जगह शो हो रहा है, ये पैसेंजर साइड के पीछे है, ड्राइवर साइड के पीछे, ये पैसेंजर साइड के पीछे है। यहाँ पे फ्यूल गेज लगा होते हैं, और जो पैसेंजर साइड है वहाँ पे फ्यूल पंप और गेज दोनों लगे होते हैं। तो इसको हमने खोल दिया, फ्यूल पंप इस साइड में नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल आउट हो रहा है लेकिन फ्यूल पंप नहीं है, फ्यूल पंप इस साइड में है। तभी सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका इलेक्ट्रिक, कि इलेक्ट्रिक इसमें आ रहा है, एक पावर एक ग्राउंड आना चाहिए। ये इसके कनेक्शन हैं, ब्लैक वाइट में आना चाहिए, बी पॉजिटिव। तो चेक करते हैं इलेक्ट्रिक इशू है या फ्यूल फिनिश है। फ्यूल भी कभी कभी इसमें लेग्जिस की तरह सिस्टम होता है। तो ये मैंने खोला, ये टेस्टर है, एक पॉजिटिव पे लगाया एक ग्राउंड पे लगाया। तो इसको इस तरह चेक करेंगे, बैटरी भी थोड़ा सा डाउन है 11.92। तो ग्राउंड भी सही शो हो रहा है। अभी चेक करते हैं इलेक्ट्रिक, तो अभी इसमें पावर बिल्कुल सही आ रहा है 10.11। तो ये इलेक्ट्रिक का इशू नहीं है। अभी सबसे पहले इसमें हम फ्यूल डालते हैं, अगर फिर भी ऑन नहीं होएगा तो फिर फ्यूल पंप खोलेंगे। तो अभी इसको थोड़ा हीट करेंगे और चेक करते हैं। यहाँ से फ्यूल पंप का आवाज़ आ रहा है, तो इसमें हम सबसे पहले फ्यूल डाल देते हैं। तो फ्यूल डालने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गया है। तो इस गाड़ियों में यही मसला आता है, मैंने फ्यूल मंगवा लिया तो गाड़ी स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले अगर गाड़ी में 20% पेट्रोल रह गया है और गाड़ी बंद हो गया है, तो आपने सबसे पहले चेंज करना है, पेट्रोल डालना है, क्योंकि इसका जो फ्यूल टैंक है उसका सिस्टम, इसका जो सिस्टम है, इसका जो फ्यूल टैंक का सिस्टम है, ये दो हिस्सों में डिवाइड है। ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया। तो इसका जो फ्यूल पंप है, एक हिस्से में फ्यूल पंप लगा होता है, यहाँ फ्यूल होता है वो शो होता है, लेकिन यहाँ पे एम्प्टी होता है, यहाँ पे फ्यूल नहीं होता है। कभी कभी ये हवा पकड़ लेता है तो यहाँ से
फ्यूल वापस पाइप के जरिए पास नहीं होता है, तो हाफ टैंकी में पेट्रोल रहते हैं और हाफ टैंकी सूख जाता है। तो इस तरह भी ये गाड़ियों में ज़्यादा मसला आता है। तो सबसे पहले आपने कुछ फ्यूल पंप के बारे में कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपने फ्यूल डालना है। अगर 20% फ्यूल रह गया है, मर्सिडीज E63 2012 जितने भी नए मॉडल गाड़ियां हैं, सबसे पहले आपने ये चेक करना है। हत्ता टोयोटा लेक्सी सब में ये चेक करना है। तो इसमें दो फ्यूल गेज लगे होते हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में, फ्यूल पंप एक ही लगा होता है।